मंसूर खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर देश भर के बच्चों को रूबरू हुए। टीवी स्क्रीन और रेडियो के माध्यम से करोड़ों बच्चों ने उनके भाषण को सुना। हनुमानगढ़ के विभिन्न स्कूलों में मोदी के भाषण का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण हुआ। बच्चों को उनका भाषण पसंद आया और उन्होंने कुछ बेहतर करने का संकल्प भी लिया। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों से रूबरू हुए। उनके भाषण का विभिन्न स्कूलों में प्रोजेक्टर पर प्रसारण किया गया। नेशनल पब्लिक स्कूल और केजी पब्लिक स्कूल सहित जिले के विभिन्न स्कूलों में हजारों बच्चों ने मोदी के भाषण को ध्यान से सुना। खास बात है कि मोदी ने अपने भाषण में जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया, वहीं उनके साथ बचपन के अनुभव शेयर किए, खासकर बचपन का नटखट अंदाज। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते, लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। बच्चों को मोदी का भाषण पसंद आया। उन्होंने कहा कि मोदी ने बेहतरीन बातें कही और प्रश्नों को समुचित जवाब दिया, लिहाजा उन्होंने मोदी के भाषण से सीखने की बात कही इस तरह। मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, कि उन्होंने बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं और कभी देखी भी नहीं, और बच्चों ने उनसे क्वेश्चंस पुट किए तो उन्होंने इतना अच्छा रिप्लाई दिया कि अपने को कैसी स्टडी करनी चाहिए, बच्चों को कैसा पढ़ना चाहिए स्कूल में। एंड ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम हुआ है ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी नॉलेज ले सकें। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने जो भी बातें थी सब बहुत अच्छी बताई गई थी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगी। और उन्होंने जो भी बोला वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जो भी बच्चों को बातें बताई, लाइव प्रोग्राम किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। इन्होंने टीचर्स डे के बारे में बताया है, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई है टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और टीचर्स को क्या करना चाहिए। मोदी जी के बारे में देखा और आज हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि पहले तो लड़कियां 3-4 क्लास तक पढ़कर या फिर 7वीं क्लास तक पढ़कर ही उनकी शादी करवा दी जाती थी, लेकिन आजकल लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं और वे आगे से आगे ASP डॉक्टर आदि बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, लड़कियाँ आजकल लड़कों से भी आगे निकलती जा रही हैं, लड़कियों को भी एक मौका देना जरूर चाहिए। अगर हम लड़कियां पढ़ेंगी तो दो परिवारों को पढ़ाएंगी। आजकल लड़कों को सातवीं, पिछले ज़माने में लड़कों 7 कक्षा पढ़ते ही उनकी शादी करवा दी जाती थी, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को मौका देना चाहिए। और आजकल ऐसे अरे गहरे इलाके हैं जिनमें लड़कियों को पर्दे के पीछे से बात करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमें नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सिखाया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को भी मौका देना चाहिए। भाषण देखा था तो वो जापान गए थे, इसलिए उन्होंने हमने बताया कि जापान में एक स्कूल में वो गए, वहाँ पर पढ़ाई के बजाय वहाँ पर सीखने में ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इससे हमने प्रेरणा ली कि हम भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखने की प्रेरणा कुछ सीखेंगे। शिक्षक दिवस पर विभिन्न स्थानों पर गुरुजनों ने आत्ममंथन भी किया। टाउन स्थित NMPG कॉलेज में शिक्षकों ने कहा कि बदलते वक्त में 10% शिक्षकों का आचरण अनुचित होता है, लेकिन उनकी कीमत पूरा शिक्षक समाज चुकाता है। समाज को इस सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। राजकीय NMPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉक्टर DS भुल्लर, व्याख्याता प्रोफेसर CS राघव और छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर आदि ने भाग लिया। शिक्षकों का कहना था कि गुरु शिष्य की परंपरा पुरानी है, शास्त्रों में भी गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। का अर्थ ही बड़ा होता है, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई से भी धर्म ग्रंथ हो,
किसी भी धर्म से संबंधित हो, सब में गुरु की महत्ता बड़ी बताई गई है। कहा भी है कबीरदास आदि ने, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन से जनहार, रगड़ रगड़ के धोइए मेल निश्चित चार, कि गुरु जो है धोबी के समान है और अपने शिष्यों के भीतर जो मेल उनके अंदर विराजमान है उस मेल को निकालने का प्रयास करता है। तो गुरु की जो महत्ता है असीम रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने माना बदलते वक्त में गुरुओं के आचरण में बदलाव हुआ है, लेकिन ऐसे शिक्षक कम हैं, ज्यादा से ज्यादा 10%, लेकिन उन 10% के कारण 90% शिक्षकों को बदनाम किया जाता है जो उचित नहीं है। 90% शिक्षक ऐसे नहीं है, 10% शिक्षक शायद हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी गरिमा को गिराया और 10% के कारण 100% पर या 90% पर लांछन लगाया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में लोग शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हनुमानगढ़ में भी विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम हुए। एसडीएन खालसा महाविद्यालय के प्रांगण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक दिवस की महत्ता पर विद्यार्थियों को व्याख्यान दिए गए और उन्हें शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति उच्च मूल्य अपनाने पर बल देने को कहा गया, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता होता है। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक एचआर फुलवारिया द्वारा महाविद्यालय के संस्थापक सरदार गुरदयाल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता के जैन को स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया तथा प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा व वरिष्ठ व्याख्याता के जैन को 1,000 रुपए के चेक भी सम्मान स्वरूप दिए गए। प्रबंध निदेशक मलकी सिंह मान, व्यवस्थापक अंग्रेज सिंह भुल्लर, चेयरमैन आकाशदीप सिंह बराड़ ने बैंक के इस आयोजन की सराहना की। एचएस फुलवारी जी ने आकर के यहाँ बच्चों को शिक्षकों के प्रति सम्मान और गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बताया और साथ ही नेट ई बैंकिंग के बारे के अंदर जो उन्होंने आज प्रधानमंत्री योजना जो हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने की है उसके विषय में बता करके और सभी छात्रों छात्राओं को आह्वान किया कि आप जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके आप बैंक से जुड़े। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता शिक्षाविद बीएन कौशिक थे। गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के निदेशक तरुण विजय ने की। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। बीएन कौशिक ने कहा कि शिष्य पूर्णतः अपने शिक्षक व शिक्षा के प्रति समर्पित हो। शिक्षक एवं शिष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का रिश्ता अटूट है। कौशिक ने कहा कि माता पिता को केवल बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीना उसे केवल शिक्षक ही सिखाता है। जब विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षक के सानिध्य में रहता है उसी बल पर वह कुछ सीखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। संस्था के निदेशक तरुण विजय ने कहा कि शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को पाठ्यक्रम ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी से भी परिचित करवाए। प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक व कमलेश चौधरी ने कहा कि आज विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ने लगी है और एडवांस हो गए हैं। सोशल साइट का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, ऐसे में वह शिक्षकों के संपर्क में कम आ पाता है। आज शिक्षकों में वह साधारणकरण लगाव समर्पण की भावना नहीं रही। चेयरमैन आशीष विजय और प्रशासक परमानंद सैनी ने कहा कि शिक्षक कुम्हार की भांति विद्यार्थी के शारीरिक मानसिक रूप को सुंदर आकार देता है, उसकी सोचने की सुनने की देखने की क्षमता को विकसित करता है। गोष्ठी को उपप्राचार्य डॉक्टर मानव शर्मा, राजकुमार अरोड़ा, डॉक्टर सुनील बागला, डॉक्टर कालूराम, बलदेव पुरोहित, राजकुमार महला, मांगीलाल ढुडाडा आदि ने गोष्ठी को संबोधित किया। मन संचालन डॉक्टर मानव शर्मा ने किया। महाविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविद श्री बी एन कौशिक जी ने विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस व शिक्षा के ऊपर विभिन्न प्रकार की बातों को बताया और उन्हें अपने जीवन के अंदर सफलता का मार्ग दर्शाया। जो गुरु और शिष्य के संबंध परंपरागत जो संबंध हैं आज वो खत्म होते लग रहे हैं। इस प्रकार के जो आयोजन है ये इन विद्यार्थियों
को तथा साथ में शिक्षकों के जिन संबंधों उन संबंधों को पुनर्जीवित करने में विशेष योगदान देते हैं। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो हम शिक्षकों का हमेशा ही बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज का दिन टीचर्स के लिए अपनी फीलिंग्स को बताने का एक खास दिन है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात शिक्षक एक ऐसे दिए के समान होता है, दीपक के समान होता है, जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। जंक्शन स्थित हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट स्कूल में गोष्ठी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डायरेक्टर आर डी जुनेजा व प्राचार्य श्रीमती स्नेहा जुनेजा ने शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा शिक्षकों को स्मृति चिन्ह व टाइटल देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्रोग्राम किया गया और उसमें बच्चों द्वारा टीचर्स को सम्मानित किया गया और उसके उपलक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और बच्चों ने उसके अंदर भाग लिया और सभी टीचर्स को उन्होंने सम्मानित भी। जंक्शन स्थित राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि शिक्षाविद श्रीमती रमेश नागपाल छत्रसाल सिंह राघव थे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रीमती रमेश नागपाल ने कहा कि वर्तमान युग में शिक्षा की महती भूमिका होने के साथ साथ शिक्षकों पर ही स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी है। छत्रसाल सिंह राघव ने वर्तमान समय में शिक्षकों के समक्ष चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर प्राचार्य संतोष राजपुरोहित, निदेशक कणवी चौधरी द्वारा शिक्षाविद रमेश नागपाल व छत्रसाल सिंह राघव को शिक्षक दिवस पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा फ्यूचर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि, किरियाना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक मेजर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और
खान पैन की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड टाउन जंक्शन रोड विजय सिनेमा के सामने। राजकीय एनपीजी कॉलेज में अर्पण एनजीओ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में छात्राओं ने भी उत्साह से भाग लिया। टीचर डे के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर के बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। टीचर डे के अवसर पर अर्पण एनजीओ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय एनपीजी कॉलेज के लाइब्रेरी में आयोजित शिविर में छात्रों के साथ छात्राओं ने उत्साह से रक्तदान किया। शिविर में 70 यूनिट ब्लड संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में टीचर डे की महत्ता पर चर्चा के साथ साथ रक्तदान के बारे में बताया गया। छात्रों ने अर्पण के कार्यों की सराहना की। अर्पण के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एनजीओ का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है। अर्पण की तरफ से कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें हमारा टारगेट है 70 यूनिट्स का, वैसे नियर अबाउट 100 भी हो सकता है। अर्पण के अंदर हम गरीब बच्चों की मदद करते हैं, हम वहाँ पे बस्ती में जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। उनको हमने एजुकेट करने का प्लान किया है और हम ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। हमारी संस्था का ये मोटिव है कि हम सबको पढ़ाएं। एनजीओ अर्पण है और इसके द्वारा हम गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी खून की कमी और पैसे की कमी या इस वजह से कोई बीमार ना हो, कोई किसी की डेथ ना हो या इस टाइप में, और कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे किसी पैसे की कमी की वजह से, हमारा एनजीओ उनकी हेल्प करता है। और हम कॉलेज के बच्चों, हम स्टूडेंट्स हैं बीएससी के लगभग, और इनके द्वारा हमारा बनाया गया है। आज बीएससी के कुछ छात्रों ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है अर्पण एनजीओ की ओर से लाइब्रेरी के अंदर, और ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम चाहते हैं भी हर 6 महीने से ये कैंप लगाया जाए, और मतलब कि गरीबों की जान बचाना हम चाहते हैं भी, ऐसा काम कर रहे हैं। ये बहुत हमें बहुत अच्छा लगा, और जो कॉलेज की छात्राएं और छात्र मिलकर ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भी लोगों को भ्रम होता है भी ब्लड निकलवाने से भी खून कम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आज ब्लड डोनेट करवाए हैं, और हमारी जो बहनें हैं उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। बहुत अच्छा काम है, हम चाहते हैं इसमें रक्तदान महा। भारतीय स्टेट बैंक शाखा सतीपुरा द्वारा टीचर डे के उपलक्ष्य में चकज्वाला सिंह वाला के राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर प्रिंटर विद्यार्थियों के लिए भेंट किया गया। इस अवसर पर बैंक कर्मियों ने बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक समाज सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है, समय समय पर सामाजिक कार्यों में योगदान दिया जाता है। इसी के तहत भारतीय स्टेट बैंक शाखा सतीपुरा द्वारा टीचर डे के अवसर पर चकज्वाला सिंह वाला के राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर में प्रिंटर शाखा को विद्यार्थियों के लिए भेंट किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों को बचत करने के बारे में समझाया गया। उन्होंने बताया कि पैसे की बचत करने वाला इंसान मुश्किल से मुश्किल समय में भी हारता नहीं है। सामाजिक सेवा बैंकिंग भी करता है। इसी कड़ी के अंदर आज हम चकज्वाला सिंह वाला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आए हैं, और हम बैंक की तरफ से इस शाला को, इस शाखा के विद्यार्थियों के लिए एक कंप्यूटर को हमारे बैंक की सौजन्य से इनको दान कर रहे हैं। हमारा मोटो यही था कि हम बैंक के जो गतिविधियां हैं उनसे छोड़ के हम लोगों के बीच में जाएं, बच्चों के बीच में जाएं, शिक्षकों के बीच में जाएं और ग्रामीणों के बीच में जाएं, ताकि उनको बता सके हम काम ये नहीं करते हैं कि आपका पैसा जमा करवा दिया और उसको ऋण दे दिया। इसके साथ साथ आपके गांव के जो स्कूल है, जो आपके गांव के सामाजिक काम है, उसमें क्या दान कर सकते हैं, हम क्या सहयोग दे सकते हैं, ताकि लोग वाग बैंक से और जुड़ें और बैंक को अपना ही महसूस करें। आज मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस में सारे टीचर विद्यार्थी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बचत करें, बचत करने की आदत डालें, क्योंकि बचा हुआ पैसा न केवल आपको मौके पे काम आता है बल्कि उससे ब्याज भी मिलता है। अपने परिवार को भी आप खाता खोले बैंक के अंदर, खाता खोलने से आपकी पहचान बनती है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
लग गई सावन की झड़ी। जी हां, बुधवार से शुरू बारिश का दौर शुक्रवार तक जारी रहा। गुरुवार शाम से लगी बारिश की झड़ी शुक्रवार सुबह तक जारी रही। इससे सड़कों पर पानी भर गया, सड़कें जैसे झील जैसी नजर आने लगी। पानी निकासी समस्या से पूरा शहर परेशान नजर आया। पहले तो बारिश नहीं होने से चिंतित थे लोग, लेकिन जो ही भादों ने सावन की तरह बरसना शुरू किया, लोग त्राही त्राही करने लगे। आलम यह है कि अब लोग इंद्रदेव से बारिश रोकने की गुहार लगा रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में कमोबेश एक जैसी स्थिति नजर आई। श्रीगंगानगर रोड, सूरतगढ़ रोड, चूना फाटक रोड, वाल्मीकि चौक, अम्बेडकर चौक और बस स्टैंड के पास तो सड़कें झील की तरह नजर आ रही थी। यही हालत टाउन की है। लोग बेबस और आक्रोशित होकर नगर परिषद के खिलाफ गुस्सा उतार रहे थे। वार्ड संख्या अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर, माकपा नेता बीएस पेंटर और आम आदमी पार्टी के जिला सचिव सुशील भाकर सूरतगढ़ रोड की दुर्दशा पर नाराजगी जता रहे थे। उनका कहना था कि यह टोल रोड है, फिर भी इसकी हालत दयनीय है और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। ये बरसात के अंदर सड़क नीची होने के कारण यहाँ पानी बरसात के अंदर भर जाता है और रोड जो है नीची होने के कारण और सूरतगढ़ रोड टोल जो है टोल वसूला जाता है, फिर भी जो है इसके अंदर इसकी कोई देख रेख नहीं है। पानी थोड़ा सा होता ही और साधन बंद हो जाते हैं, आवागमन में दिक्कत आती है। नगर पालिका नालियाँ जो है उसके अंदर भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी भर जाता है और जो है कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन इसकी तरफ सीधे ध्यान देवे ताकि यहाँ निजात मोहल्ले वालों को मिल सके। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारी जो सूरतगढ़ रोड है इसमें कम से कम भी 300-400 फीट सड़क जो है उसका जो लेवल है वो बहुत ही आम लेवल से नीचे बना हुआ है, जिसकी वजह से जब भी बरसात आती है उस बरसात के दौरान यहाँ कम से कम भी 1.5-1.5 फीट पानी खड़ा हो जाता है। पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं वो सारी टूट चुकी हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और पानी की वजह से ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी जांच की जाए, जांच के बाद में जो पानी जो खड़ा होता है और उसकी जो लेवल नीचा है उसको ठीक किया जाए। बसें वगैरह निकलती हैं, पूरे छल्लों से पानी अंदर जाता है और पूरे घर में नाली का पानी भर जाता है और ना तो सफाई होती है ना सड़क रिपेयर की जाती है। नगर परिषद द्वारा जो जमीन भूमि यदि खरीद कर खड्डे खोद कर यदि पानी की व्यवस्था कर दी जाती तो आज ये हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन का ये हाल नहीं होता। करोड़ों रुपए सड़क उठाने पे वार्ड पार्षदों द्वारा लगा दिए जाते हैं नगर परिषद पे दबाव देकर, यदि वही पैसा यदि भूमि खरीद कर और उसमें खड्डा खोद कर लगाया जाता तो आज नगर जो हनुमानगढ़ जंक्शन में सड़कों पर पानी खड़ा है वो कभी खड़ा नहीं होता। ये हमने बार बार नगर परिषद में श्रवण जी बिश्नोई को अवगत करवा दिया इस बारे में, लेकिन हर बार यही होता है कि सड़कें उठाने के नाम पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं इस हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जो कि सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हनुमानगढ़ टाउन में उन्होंने एक इस तरीके का एक खड्डा खोद कर और कॉलोनी के पानी की व्यवस्था की थी जो कामयाब हो गई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन सड़कों को जो उठाने की जो प्रथा है उसको तुरंत रूप से बंद किया जाना चाहिए और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की जानी। श्रीगंगानगर रोड स्थित वाल्मीकि चौक पर भी पानी जमा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि गुरुवार से कई वाहन चालक फंसे हैं, गिरे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। 2 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ 20 सालों से। और 3-3 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं और काफी टाइम से ये समस्या है। प्रशासन कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा। वाल्मीकि चौक है और गंगानगर रोड से मतलब हमारी शॉप है और यहाँ 20 सालों से कम ये समस्या चल रही है। आए दिन यहाँ 10-15 एक्सीडेंट होते हैं इस पानी की वजह से। जब भी बारिश आती है यहाँ 10-15 5-5 फुट पानी खड़ा रहता है। प्रशासन इस चीज़ की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारी यही गुजारिश है कि प्रशासन इस चीज़ को देखे और हमारी ये सुने। कच्ची बस्तियों में तो जैसे बारिश ने कहर बरपाया, कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए, छतें गिरने से काफी नुकसान की खबर है। घरों में पानी जमा होने से कई लोग परेशान नजर आए, खासकर सुरेशिया और बिजली कॉलोनी में कई मकानों के गिरने की खबर है। पानी निकासी के लिए इंजन लगाने की नौबत आई। 4 बजे का टाइम दे रखा था। ग्रेड है क्या? जेएम से पानी ग्रेड है क्या?
ये बाबा पानी फ्री जाओ देखो नी मैं ये जी थोड़ी करूँ कोई काफी चिर से रह रहा हूँ। मेरी एक गरीब सी छत सी छोटी सी उसके अंदर हम रह रहे थे। उसके अंदर क्यों हमारे घर के की डेथ हुई, हम बच्चों की डेथ हुई, हमारे दो बच्चियां हैं, सिर्फ गरीब आदमी हूँ। हम बच्चों को रात भाभी के पास सुला दिया था। हमने खुद ने भी सोचा चलो बरसात हो रही है, थोड़ा सा मकान कच्चा था इसलिए वो हमारा मकान गिर गया। उसके बाद में काफ़ी नुकसान हो गया हमारे जी। 42 नंबर वार्ड में बारिश के पानी से सारे घर डूब गए हैं। हमारा भी मकान है इस 42 नंबर में जो पूरा तरह मकान गिर चुका है। कच्चा मकान था हमारा, गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, हमारे पास पैसा नहीं है बिल्कुल। मैं जो लेबर कॉलोनी है उसमें पानी भर गया खड्डों में और कईयों के मकान टूट गए हैं, कईयों के घर टूट गए हैं, कईयों की दीवार टूट गई है, कईयों की तो खुई बैठ के चारों की लैट्रिन लिए उनको नौबत आ गई है। तो मैं प्रशासन से पहले भी कह चुका हूं भी मेरे वार्ड में वर्क ऑर्डर करवा के जो ये सड़कें ख़राब हैं उसकी मरम्मत कराई जाए। और सबसे ज़्यादा आज लेबर कॉलोनी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लेबर कॉलोनी के अंदर घरों में पानी पड़ गया, उनके मकान टूट गए और वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं वहीं था, बरसात अभी भी चल रही है और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ अगर वो इसमें अगर मिट्टी हो रही है, अगर सड़क की व्यवस्था नहीं की तो मैं भी धरने पर बैठूंगा। अगर प्रशासन मेरी बात पर गौर नहीं करेगा तो मैं कलेक्टर पर घेरा भी करूंगा और प्रशासन के साथ अगर मेरे को लड़ना पड़ा और उसके लिए मुझे अगर जेल जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाऊंगा। टाउन में भी हालात खराब नजर आए। मेन मार्केट में 2 फुट पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई, लोग बेहाल नजर आए। हुई जो बारिश ने एकदम तबाही मचा दी, सारा का सारा पानी भर गया, करीबन 1.5-2 फुट पानी भर गया। इधर से इतनी डोब है, उधर वाला बाजार सारा ऊपर उठा हुआ है, इधर वाला सारा बाजार ऊपर उठा हुआ है। पंजाबी मोल, ये सारा सिंधी मोल है, इधर की डोब, ये डोब पानी भर गया, दुकानों के अंदर पानी घुस गया। जितनी भी स्थिति है अभी आपके सामने, इधर देखो पीछे पीछे देखिए, वकील जी के घर में पानी घुस गया था। सब परेशान है, सब दुकानदार परेशान है, कोई इसकी व्यवस्था की जाए। नगर परिषद के सहायक अभियंता सुभाष बंसल के मुताबिक बारिश के बाद कमिश्नर सहित पूरी टीम ने वार्डों का जायजा लिया है। जहां पर पानी निकासी की जरूरत पड़ी वहां पर मोटर लगाकर निकासी करवाई गई। रात से जैसे ही बरसात हुई है कमिश्नर साहब और समस्त अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र में राउंड करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यहाँ ज़्यादा पानी भरा है, वहाँ इंजन अतिरिक्त रूप से इंजन लगाए जा रहे हैं और वैसे संभवतः ये पानी निकासी सुबह तक हो चुकी है ज़्यादातर इलाकों में। यहाँ रह गई है वहाँ इंजन के जरिए या लो लाइनिंग एरिया में वो निकासी करवाई जाएगी। सूरतगढ़ रोड पर लेवल में अंतर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए रिडको से बात हुई है, फिर कहा जाएगा। सड़क यहाँ कई स्थानों पर रोड नीची है, नाले ऊंचे हैं, वहाँ पानी भरता है। इसके लिए रिड कोर को लिखा गया है कि आप इस पोर्शन में नाले को, आप वाल्मीकि चौक का कह रहे हैं, वहाँ रोड नीची है तो उनके रिड कोर को लिखा गया है ऊंची करने के लिए और जगहों पे पानी में भराव नहीं लिया है। सहायक अभियंता सुभाष बंसल के मुताबिक जिनके नुकसान हुए हैं सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जो लो लाइंग एरिया में है वो तो जो नियमानुसार उनका मुआवजा देने की प्रक्रिया है वो सर्वे इत्यादि कराकर की जाएगी। वो तो आयकर बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अब आयकर विभाग ने खुद पहल करते हुए व्यापारियों के बीच जाने का फैसला किया है। इसके तहत व्यापारियों को लक्ष्य से अधिक आयकर जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को टाउन क्षेत्र में व्यापारियों की मीटिंग ली। उन्होंने आय बढ़ने के साथ ही टैक्स में भी बढ़ोतरी करने का आग्रह किया। फुटग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कंदोई, व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकिशन गोलियान और विजय रोंता आदि ने कहा कि व्यापारी पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स भरते हैं। वहीं व्यापारियों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि वे टैक्स भरने में जिस तरह ईमानदारी बरतते हैं वहीं विभागीय अधिकारी उनके प्रति अविश्वास का भाव रखते हैं जो उचित नहीं। क्या उसे उतनी रिस्पेक्ट मिलती है, ये एक प्रश्न है अपने आप में। चाहे वो रेलवे विभाग हो,
चाहे पुलिस का महकमा हो, क्या उस आयकर भरने वाले को उस नजर से देखा जाता है? उसको हमेशा ही एक दृष्टि से देखा जाता है कि ये व्यापारी है और व्यापारी चोरी करे बिना नहीं रहता। चाहे वो सारी सुविधाएं आजकल सारा सिस्टम नेट पे चल रहा है। व्यापारियों ने कहा कि आरटीई बेहतरीन योजना है और उसका फायदा गरीब बच्चों को होना ही चाहिए। उन्होंने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। जो आरटीई लागू की है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बहुत जोरदार स्कीम है गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग में जो भी कितना ही बड़ा स्कूल हो, चाहे वो कितना बड़ा कॉन्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, एक निश्चित परसेंटेज जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको आपको मुफ्त शिक्षा देंगे। और वो उसका बिल ये नहीं है कि वो स्कूल खाली उसका स्कूल के बोझ होगा, सरकार उसको पे करेगी। जो उसकी फीस है वो सरकार उसको पे करेगी। अभी जो 15 सितंबर आ रही है, इसमें हमारी एडवांस टैक्स के लिए नॉन कंपनी करदाताओं की पहली किस्त हो रही है, उसके लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था और सभी व्यापारीगण बंधुओं से इस चीज़ का निवेदन किया गया था कि वो अपना एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक समय पर भरें और जो हमें टारगेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से बढ़ा करके भरें। इसके लिए आज इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए मीटिंग रखी गई। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष भारती सिंह जी कल्याण, करियाना मर्चेंट, क्लॉथ मर्चेंट, लोहा सीमेंट मर्चेंट, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ पहुँचे हैं, जो इस बारे में इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स के बारे में बताया गया और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो इस समस्या का हम समाधान अब सब लोगों से कह के करवाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।